हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट यूनिट फोर्थ ਅਜਸੀ 1 ਦਾ फोर्थ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਰਕ ਇਸ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਔਰ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਲੈਟ ਅਸ ਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ اور ਉਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ lettes suppose ਪਹਿਲਾ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ b ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ that is ਫੋਰਸ f اور اودی ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ڈਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ that is s ठीक है सो so कोई ना कोई डिसप्लेसमेंट हुई परटूलर एक डायरैक्शन जिस डायरैक्शन फोर्स लगाओगे उसी डायरैक्शन ही वर्कडन काउंट होगा सो डबल्यू इज़ इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर ये उपर वैक्टर पाना ना भूलना ठीक है जो तक अभी डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, मतलब अं वैक्टर की फॉर्म के लिख रहे हैं सो एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर सो दिस इज़ द वर्क when the point of application of force move in the direction of applied force under its effect is known as work is said to be done ta ussi onu keh dinde ha jadon ik particular direction de vich force lagke koi cheez move karke koi object move kar gaya asi onu keh dinde ha us time kam ho gaya work is said to be done asi us time kawange ki kam ho gaya hun dekho next step de vich dot product hata do जो डॉट प्रोडक्ट हटावे सूँ पता डॉट हट जाएगा वैक्टर जी भी हट जाएंगे तो वो जगह से की लग जाएगा कोस थीटा सो सैकेंड फॉर्म असं लिख सकते हैं डबल्यू इज इक्व टू एफ एस कोस थीटा ना वट इज़ द डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स सो देखो फोर्स की है एफ मतलब एम एल टी माइनस टू विच इज़ मास इन टू एक्सरेशन एंड वट इज़ एस एस इज़ अ डिसप्लेसमेंट ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲ ਇੰਟੂ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲ ਸਕਰ ਸੋ ਐਮ ਐਲ ਸਕਰ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਮੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਨ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦਾ ਥਿਉਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 1 ਜੌਲ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ 1 नैन न्यूटन मीटर हों बच ध्यान दो अगर समॉल एन हो इट मीनस नैनो ठीक है हो सकता थानू पूछा जाए नैनोमीटर है एन एम कैपीटल एन एम कैपीटल एन मतलब न्यूटन मीटर ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਨੈਨੋ ਮੈਸਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਐਨ ਐਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ স্মਲ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਨੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਜੂਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਔਨ ਐਸਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ वर्क द यूनिट्स है दैट इज़ जूल सो कई बार वन मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती होंगी डिफाइन वर्क डन एस आई यूनिट ऑफ डन। ठीक है सो जूल में एक्सप्लेन करना है नाउ वट इज़ जूल वर्क डन इज़ सेट टू बी वन झूल वर्कडन असी उदों ही कहे कि वन जूल है वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव्स जदों फोर्स वन न्यूटन मूव करे ऑफ बॉडी या ऑबजेक्ट थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर जो कोई असी धक्का लगया किसी भी ऑबजेक्ट ती फोर्स लगया तो वन न्यूटन फोर्स होना चाहिए और वन मीटर ही डिसप्लेसमेंट होनी चाहिए इन द डायरेरैक्शन ऑफ अपलाइड फोर्स सो असी फॉर्मूला कर चुके हैं डबल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एफ ओन असी किस फॉर्म के लिख रहे हैं न्यूटन केन न्यूटन और डिसप्लेसमेंट वन मीटर पॉज हूँ ध्यान में देखो असी जीरो क्यों लिखा कोज जीरो डिग्री क्यों लिखा क्योंकि धक्का इस तरफ लगाया सो फोर्स इस डायरेक्शन चा सो so डिसप्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन च हो रही है सो एंगल बिटवीन बोथ फैक्टर आर जीरो इस करके लिखा कोज जीरो कोज जीरो इक्व टू तो वन सो so सा गया वन न्यूटन मीटर आंसर दैन इन दी जी एस सिस्टम अगर सी जी एस सिस्टम की गल की जाए तो वर्क के यूनिट्स की होंगे ई आर जी सो ई आर जी किस तरह डिफाइन करा वर्क डन इज सैट टू बी वन ई आर जी उदों वन ई आर जी कमां जो वर्क किएगा वन डाइन और डपलेसमेंट होएगी, डिस्टेंस होएगी। वन सेंटीमीटर डन सो सेम डबल्यूज टू एफ एस कॉस हिट आएगी एफ दैल्यू की वन डाइन और एस दी वन सेंटीमीटर एंगल बिटवीन बोथ फैक्टर आर जीरो सो so, जीरो आ गया आ गया वन ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਨ ਸੋ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜੂਲ ਐਂਡ ਇਆਰਜੀ ਇਹ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਇਆਰਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सो so, so, तो वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इन टू वन मीटर सो असी हूने सोल्व करके हटिया न्यूटन मीटर सो वन जूल न्यूटन के टेंिस टू द पावर फाइव टाइम्स मीटर टेंडरिस टू पावर टू सेंटीमीटर सो so, साे को आ जाएगा टेन द पावर फाइव प्लस टेन द पावर टू वैन बेसिस आर सेम दैन पावर आर एडिड सो टेनरीज टू दावर फाइव प्लस टू सो वी गेट टेनरीज टू द पावर सैवन सो यूनिट्स कियान सेंटीमीटर सो आ गया डायन सेंटीमीटर नैक्सट साढ़े को आ गया वन जोल इज इकस टू टेनरीज टू पावर सैवन माइन टैनरेज टू पावर सैवन ईआर जी सपोज अगर ई आर जी पुछ लिया जाए यदा मतलब टैनरेज टू दावर सैवन दूसरे पास लैग सा बन जाएगा वन ईआर जी इज इक्स टू टैनरीज टू पावर सेवन जूल ठीक है सो so, य छोटे छोटे कह लो फॉर्मुलेज आ कन्वर्जन वाले सो so, हो सकता सू कम सीज़ के पुछले जाए सो so, ध्यान न कर लेना ही। नैक्सट आ ग्रेविटेनल यूनिट्स सो so, ग्रेविटेनल यूनिट्स की देयर दीज आर ਕਾਲਡ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ SI ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ सो so, इनू डिफाइन किद करा वर्कडन उदों ही वन किलोग्राम बोला जो फोर्स कि लगेगी वन किलो ग्राम फोर्स एफ मतलब फोर्स मूविंग ऑफ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ठीक है ग्राम सेंटीमीटर कदों बोलेंगे वन किलो वन ग्राम सेंटीमीटर उदो बोला जो फोर्स एक ग्राम फोर्स लगेगी और डिस्टेंस for, uh, कि होएगा वन सेंटीमीटर अगेन मैथमैटिकल फो फॉर्मूला कि डबल्यू इज इक्व टू एफ एस कोससीटा एफ की जगह पर लिख दिता वन किलोग्राम फोर्स, एस ई जगह पर वन मीटर एंड यूनिट इज जीरो ठीक है थी एंगल इज जीरो सो कॉस जीरो इक्व टू वन हूँ एक चीज़ नवी है थोड़े लिए वन के जी एफ न न्यूटन के कन्वर्ट करने असी की करी नाइन पॉइंट एट न्यूटन मल्टीप्लाई कर देने, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रैविटेनल यूनिट्स ग्रैविटेनल यूनिट मतलब ग्रैविटी कि नाइन पॉइंट एट सो इनू फोर्स केन्वर्ट करा दे न्यूटन दे न्यूटन वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करना पेगा ठीक है लेटर सपोज सा हों फाइव के जी एफ तदा कन्वर्ट करना सी फाइव मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट एट न्यूटन सो ये so, आ गया थोड़ा न्यूटन मीटर भी आंसर नाइन पॉइंट एट न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर जो उस कन्वर्ट कर, कर सीक है, है इस तरीके सो नैक्सट वन इज़ किलो ग्राम सेंटीमीटर दैट इज़ डबल्यू इज इकोस टू एफ एस एफ दैल्यू ग्राम फोरस एस दैल्यू वन सेंटीमीटर एंड कोस जीरो इक्व टू वन सो अगेन वन जी एफ मतलब ਜੁੱਥੇ ਵੀ 1gf ਆਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 980 ਡਾਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.8 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ 980 ਆਏਗਾ ਦਨ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵਰਕ ਉਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ